light in my day. You brighten my day. When I see you, I know I'll be okay. You are the one that I feel, and you know that it's real. When I think of you, I know I'd be okay. It's you, my love. Anytime I sleep, I see you, my love. Early in the morning. मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया रेसिपी लेके. आप गेस कर सकते हैं ये क्या है. ये तो देखकर आपको पता चल रहा है कि एक पराठा है, पर ये पराठा वो चीज़ का है जो कोई खाना नहीं चाहता है. वो सब्जी का बना है जो सब्जी किसी का पसंद नहीं है, वो वाला सब्जी का पराठा है. तो आज मैं किसका पराठा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए इसको देखने के लिए आपको आगे तक रेसिपी दिखना होगा. देखिए पराठा कितना क्रिस्पी और अच्छे बने हैं, और पराठा खाने में भी बहुत अच्छा है. तो चलिए पराठा कैसे बनाते हैं देख लेते हैं, और कौन सा चीज़ का पराठा बनाते हैं देख लेते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. मैजिक मोमेंट चैनल उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गई एक क्रिस्पी नया रेसिपी लेके. आज मैं आपके सामने बनाऊंगी पराठा, पर ऐसा एक पराठा का रेसिपी जो सब्ज़ी ना किसी ने खाना पसंद करता है, ना किसी ने उसका स्मेल लेना पसंद करता है. नाउ गेस व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू. नाउ मैं आज बनाने जा रही हूँ मूली की पराठा या रेडिश पराठा. मूली के नाम सुनते ही हमको लगता है कि गैस हो जाएगा भाई, और इसका बहुत ही बदबू आएगा. नहीं भाई, मूली नहीं खाते. पर मैं आज जो आपके सामने बनाने जा रही हूँ उससे आपको मूली का जो प्रोटीन विटामिन जो उसका जो गुनागुण है वो आपका बॉडी के अंदर भी जाएगा, उसके साथ साथ एक खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा. मूली की पराठा बनाने के लिए हमको चाहिए मूली. देखिए इधर मैंने ग्रेटेड 2 बड़ा साइज का मूली लिया है. मैंने मूली को अच्छे से ग्रेट करके एक कपड़े में वो ग्रेटेड मूली डालकर उसका पानी निचोड़ लिया है. उसके बाद आधा घंटा तक इसको रेस्ट करा लिया, इसलिए इसके अंदर कोई भी पानी नहीं है. मूली का जो भी बदबू आता है वो आता है मूली की ए रस या मूली की जूस की वजह से. अगर मूली का जूस निकाल लिया जाए तो कभी भी मूली का बदबू आएगा नहीं. तो मूली की पराठा बनाने के लिए ग्रेटेड मूली तो लगेगा ही. उसके लिए उसके साथ साथ हमको चाहिए मैदा, और मैदा के साथ साथ ये आटा. इधर मैंने ए वाला जो बॉल है, ए बॉल की साइज़ में 3 कप मैदा लिया है. उसके साथ 1 कप आटा लिया है जिसको बोलते हैं होल व्हीट आटा. एक बात है जे पराठा जो है वो है ब्रेड, मतलब जो रोटी हम खाते हैं उसका ही फ्राइड रूप. तो हमेशा पराठा आटा से ही बनाना चाहिए, पर कभी कभी हम लोग आटा इतना खाना पराठा में पसंद नहीं करता है, इसीलिए इधर मैंने 3 कप मैदा लिया और उसके साथ 1 कप आटा लिया. तो चलो जी इसका बात तो हो गई. आप मूली का स्टफिंग्स बनाने के लिए हमको चाहिए अदरक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, और उसके साथ साथ चाहिए थोड़ा सा मसाला. जैसे इधर मैंने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर. अमचूर पाउडर इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि अमचूर पाउडर से स्टफिंग्स के अंदर एक खट्टा खट्टा स्वाद आएगा. तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं. रेसिपी शुरू करने से पहले एक बात आपको बोलना चाहते हैं कि अगर मेरा एक रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा ये रेसिपी एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करना. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, और उसके साथ साथ वीडियो देखते ही मेरा वीडियो पर लाइक डालना. मैं हमेशा रेसिपी पर मेरा UPI ID का जो बारकोड है वो डाल देती हूँ. मेरा रेसिपी चलाने जो एक्सपेंस है उसको चलाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है,
बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं एज अ ब्यूटिशियन एज अ ब्राइडल मेरा सारा काम अभी बंद हो चुका है, इसीलिए कुकिंग को एक्सपेंस को कंटिन्यू करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। पर अगर मुझे आप कुछ डोनेट कर दे तो मैं अच्छा अच्छा रेसिपी आप लोगों के सामने लाते रहूँगी। कोई भी डोनेशन आप मेरे लिए ग्रांटेड होगा। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहेंगे तो आप मेरा वीडियो के अंदर जो बारकोड में डाल देती हूँ उपासना 8334069041@paytm बोल के एक बारकोड डाल देती हूँ मैं वीडियो के अंदर, वो बारकोड को स्कैन करके आप कुछ भी मुझे डोनेट कर सकते। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। देखिए इधर मैंने ले लिया है मैदा और उसके साथ इधर मैंने ले लिया है 1 कप आटा। जैसे आटा से पराठा में अच्छा एक स्वाद आता है, इसके साथ साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद के लिए, और उसके साथ साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। जैसे बहुत ही अच्छा माया माए, देखिए तेल डाल दिया। अब तेल और आटा और नमक एक साथ हम लोगों को मिला लेना है। देखिए सब कुछ एक साथ हम मिला लिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसको डो बनाऊँगी। डो बनाना आपको सबको आता है, फिर भी आपको दिखा दिया डो बनाने में क्या क्या लगेगा। 3 कप मैदा, 1 कप आटा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा थोड़ा करके पानी देके डो बनाना है। ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है। तो चलिए डो को बना लेते हैं। देखिए इधर मैंने डो को अच्छे से बना लिया है। अब मैं डो को कवर करके रख दूँगी जैसे डो सॉफ्ट रहे। अब मैं मूली का जो स्टफिंग से उसको तैयार करना शुरू करूँगी। तो चलिए मूली को स्टफिंग्स को तैयार कर लेते हैं। देखिए मूली का स्टफिंग्स तैयार करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जैसे घी, क्योंकि घी डालने से मूली का जो स्टफिंग्स बनेगा उससे बहुत ही अच्छा एक स्वाद आएगा। अब मैं इसके अंदर कुछ तड़का ऐड करने जा रही हूँ। जैसे मैं इसके अंदर पहले ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा, जैसे जीरा का फ्लेवर कोई भी स्टफिंग्स में बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन। देखिए थोड़ा सा अजवाइन डाला क्योंकि अजवाइन का फ्लेवर स्टफिंग्स में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जीरा को अजवाइन को थोड़ा सा हमें फ्राई कर लेना होगा। देखिए थोड़ा सा इस ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पहले ग्रीन चिली का पेस्ट, इसके बाद ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट, उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर का पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट और 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें एक साथ मिला लेना है जैसे मसाला ना जले। इसके अंदर कोई भी ऑनियन ऐड नहीं होगा, ऑनियन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड करने जा रही हूँ। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, सारे मसालों को मैंने एक साथ डाल दिया। अब हमें फिर से मसाला को डाल के इसको एक बार चला लेना है जैसे मसाला ना गले। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 ग्रेटेड मूली। मूली को डालने के बाद बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई करना होगा। पहले तो मूली को एक बार मसाला के अंदर चला लेते हैं क्योंकि मसाला के अंदर चला लेने से मसाला भी जलेगा नहीं और उसके साथ साथ मूली भी अच्छे से फ्राई होगा। देखिए सारे मसाला के अंदर हमने इसको कोट कर लिया। हमको लगेगा कि इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऑयल चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला 1 टीस्पून जैसा, जैसे मूली अच्छे से फ्राई हो जाए। क्योंकि जैसे मूली का पराठा बनेगा
इसलिए मूढ़ी का स्टफिंग्स को अच्छे से फ्राई होने आता बहुत ही ज़रूरत है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पहले थोड़ा सा नमक। देखिए इसके अंदर स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालना है और जो फ्लेम है उसको एकदम कम रखना है। अब मैं फिर से नमक को मूली के साथ चला लिया, सारी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ फ्राई कर रही हूँ मैं। मूली को एकदम सूखा सूखा करके बनाना होगा, मूली के अंदर वैसे भी वाटर है नहीं, जैसे मैंने पूरा वाटर निकाल दिया है। अब हमें सिर्फ अच्छे से मूली को मसाला के अंदर थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना होगा। हम एक ही पैन में पराठा को बनाएंगे, दूसरा वाला पैन नहीं यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, हमको बर्तन धोने में भी थोड़ा सा मदद होगा। देखिए थोड़ा सा इसके अंदर ये लगा हुआ है मसाला, तो इसीलिए इसके अंदर पहले पराठा तैयार करेंगे, उसके बाद कड़ा को एक साथ धोएंगे, दूसरा वाला कड़ा नहीं यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा फ्राई करने दे। देखिए इधर मैंने स्टफिंग्स को अच्छे से बना लिया है, मूली का स्टफिंग्स देखने में कितना अच्छा हुआ है। उसके साथ साथ इधर मैंने लिया है लुइया, जिस लुइया से मैंने डो बना लिया थी। अब मैं लुइया को दो हिस्से में तोड़ लूँगी, उसके बाद एक हिस्से से थोड़ा थोड़ा करके लुइया को काट कर लूँगी। पराठा थोड़ा सा मोटा बनता है इसलिए मैंने इतना सा साइज़ लिया है, एक एक लुइया से तीन तीन करके पराठा बन जाएगा आराम से। देखिए तीन लुइया मैंने एक से तोड़ लिया, इससे मैंने और एक लुइया को तोड़ लिया और देखिए मेरा लुइया एकदम बनके तैयार है। आप चाहे तो लुइया को थोड़ा सा बड़ा बना सकता है, इससे पराठा भी अच्छा बनेगा। मैं इधर पांच पराठा बनाऊंगी। देखिए इधर मैंने पांच पराठा बना लिया है। अब मैं इसका अंदर स्टफिंग्स देके इसको तैयार करूंगी। देखिए पराठा बनाने के लिए पहले मैं इधर कुछ फ्लावर को डस्ट कर लूंगी। फ्लावर को हमेशा इससे ही बनाना पड़ेगा। देखिए पहले मैंने आटा को ऐसे गोल गोल कर लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे शेप देके इसको थोड़ा सा तोड़ लूँगी। देखिए ऐसे जो बर्तन है ना कटोरा जैसे शेप देनी है इसको। इसके बाद चम्मच की मदद से मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्टफिंग्स, थोड़ा थोड़ा करके स्टफिंग्स इसके अंदर ऐड करना है। ज़्यादा स्टफिंग्स अब ऐड करेंगे तो पराठा फट सकता है। थोड़ा सा स्टफिंग्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हमें लुइया को ऐसे ऐसे करके जोड़ना होगा। देखिए ऐसे करके हमें लुइया को जोड़ना होगा। एक्स्ट्रा अगर स्टफिंग्स हो जाए तो आप उसको तोड़कर फेंक सकते हैं। देखिए मैंने मुख को तोड़ लिया, मतलब जोड़ लिया। अब मैं अच्छे से लुइया को बना लिया। देखना होगा कि सारे मुँह बंद हो, वरना अगर बंद ना हुए तो पराठा का मुँह खोल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे ये स्टफिंग्स पराठा है। देखिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर और डस्ट करूँगी, उसके बाद ऐसे ऐसे इसको राउंड कर लूँगी और उसको ऐसे ही जोड़ लूँगी। जैसे भी करके इसको जोड़ना चाहिए, जैसे ये फट ना जाए। देखिए एक बना लिया, आप दूसरे को बनाना दिखाते हैं। पहले फ्लावर के अंदर डाइस कर लिया, उसके बाद ऐसे इसको राउंड कर लिया। अब हमें इसको अच्छे से बर्तन जैसी शेप देनी होगी, थोड़ा सा चौड़ा करना होगा, जैसे इसके अंदर स्टफिंग्स भरने के बाद थोड़ा सा जगह रहे। देखिए इतना सा स्पेस बना लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मूली की स्टफिंग्स। देखिए मूली की स्टफिंग्स मैंने इसके अंदर डाल दिया,
अब हमें इसको मुंह को बंद कर देना है। उसके बाद ऐसे ही इसको पूरा मुंह बंद करके इसका एक लुइया का शेप देना है, जैसे इसका मुंह ना खुले। दूसरा बना लिया, तो चलिए तीसरा बनाना दिखाते हैं। एक लुइया ले लिया, उसको ऐसे राउंड राउंड कर लिया। अब मैं फ्लावर के अंदर इसको थोड़ा सा डाइस करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्टफिंग सेट करूँगी, चम्मच भर के थोड़ा सा स्टफिंग सेट किया मैंने इसके साथ। इसके साथ साथ मैंने मुंह को पहले बंद कर देना है, ऐसे रफली बंद करना है। उसके बाद देखना है कि मुंह खुला ना रह जाए। उसके बाद ऐसे मुंह को अच्छे से बंद करके इसको आप ऐसे निकल सकते हैं और इसको ऐसे राउंड राउंड बना सकते हैं। तो देखिए हमारा लुइया बन गया। बाकी लुइया को भी ऐसे ही बना लेते हैं, उसके बाद पराठा बेलना दिखाते हैं। देखिए इधर मैंने 5 लुइयों को बना लिया है पराठा के अंदर मूली की स्टफिंग्स भर के, और इधर मैंने थोड़ा सा फ्लावर भी डाइस कर लिया है, जैसे पराठा अच्छे बने। अब मैं इसके अंदर आपको पराठा बेलना सिखाऊंगी। बहुत ही हल्के हाथ में पराठा को ऐसे प्रेस करना है। उसके बाद इसके अंदर पहले इसको ऐसे ऐसे करना है, पहली बेलन नहीं लगाना है, पहले इसको ऐसे ऐसे शेप करते जाना है, इसको चारों साइड में फ्लैट करते जाना है, जैसे इससे स्टफिंग्स बाहर होके ना आए। देखिए ऐसे पहले फ्लैट कर लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐसे ऐसे पराठा को बेलूँगी। बहुत ही प्यार भरा हाथ में बनाना है और बोथ साइड पे बनाना है, वरना पराठा फट सकता है। देखिए ऐसे ऐसे मैं पराठा को बना रही हूँ फ्लावर के अंदर डाल के। अब सबको ही पराठा बनना आता है, पर फिर से मैं एक बार दिखा रही हूँ जैसे आपको पराठा बनने में आसानी हो। देखिए ऐसे ऐसे मैं पराठा को प्रेस करते जा रही हूँ। आप चाहे तो पूरा हाथों की मदद से पराठा को बना सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा बेलन की मदद ले रही हूँ जैसे पराठा अच्छे बने। देखिए हमको पराठा बेलने का कायदा है साइड को बेलते जाना है, ऐसे घुमाते घुमाते इसको साइड को बेलते जाना है, जैसे पराठा से स्टफिंग्स अलग ना हुए। देखिए आप चाहे तो थोड़ा सा स्टफिंग्स पराठा के अंदर कम भी भर सकते हैं। देखिए मैं एकदम पतला पतला करके बेल रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं इसको। देखिए ये थोड़ा सा निकल रहा है, कोई बात नहीं, पराठा तेलते वक्त इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसको बेल लेते हैं। देखिए इधर मैंने एक पराठा बेल लिया, इधर मैंने दो पराठा बेल लिया। थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है, जैसे मूली का स्टफिंग्स में थोड़ा सा हार्डनेस रहता है। अब मैं तीसरा पराठा बेलने जा रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करना है, उसके बाद इसको ऐसे ही हाथों में प्रेस करते जाना है, जैसे फ्लैटन हो जाए, फ्लैट हो जाए, और इससे जो स्टफिंग्स है वो ना निकले। अब अच्छे से देख सकते हैं। देखिए आप मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको बेल रही हूँ, बहुत ही टाइम लेके इसको बेलना होगा, वरना अंदर का जो स्टफिंग्स है वो निकल सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे करके इसको बेलना होगा, फिर से इसको फ्लावर लगाना होगा। थोड़ा सा ज़्यादा फ्लावर रहे तो कोई बात नहीं, हमको थोड़ा सा ये फ्लैट हो गया है, हम हमें इसको जो कोन है इसको थोड़ा सा फ्लैट करते जाना है। तो अगर कोन जो है वो अगर फ्लैट हो जाए उससे पराठा फटेगा नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा जैसे मेरा निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल भी जाए तो कोई परेशानी नहीं, जब ये फ्राई होगा तब वो दिखने में समझ नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा तो फट सकता ही है। तो देखिए ऐसे ऐसे करके बेलना होगा। देखिए मैंने एकदम गोल गोल करके बेल रही हूँ पराठा को। पराठा जो है वो थोड़ा सा त्रिकोण शेप का बनता है, ट्रायंगल शेप का, पर मैं इधर
गोल शेप का ही बना रही हूँ, क्योंकि गोल शेप का पराठा ज़्यादा देखने में अच्छा होता है। देखिए ऐसे ऐसे करके मैंने इसको बेल लिया, उसके बाद फिर से ये वाला साइड ले लिया। इसको प्लेस करके आप ऐसे इसको जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा खुल जाए तो। देखिए ऐसे ऐसे करके मैंने इसको बना लिया। देखिए हमारा पराठा एकदम बन के तैयार है, तो चलिए आप फ्राई कर लेते हैं। देखिए इधर मैंने कढ़ाई को बैठा लिया है पराठा बनाने के लिए, और इधर मैंने पराठा को बेल लिया है। थोड़ा थोड़ा निकल गया है पर बाकी सब ठीक है। अब मैं पराठा को कैसे बेलते हैं, मतलब कैसे फ्राई करते हैं, वो आपको दिखाऊंगी। पराठा को फ्राई करने के लिए इधर मैंने नॉनस्टिक का पैन यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर पहले मैं डालूँगा थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हमें कढ़ाई को ऐसे घुमाकर वो कढ़ाई को नॉनस्टिक बना लेना है। अब हमें इसके अंदर डालना है एक पराठा। देखिए कढ़ाई का तेल तो गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक पराठा। थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग्स तो निकल गया है, पर मुझे लगता है इससे कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। जब भी ये पराठा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, हमको तेल को थोड़ा सा ऐसे घुमाते जाना है जैसे पराठा नॉनस्टिकी होके उठ जाए, नहीं लग जाए। तो चलिए इस साइड को पराठा को फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा पराठा का एक साइड बन गया है। अब मैं पराठा को फिर से पलट दे रही हूँ। उसके बाद देखिए पराठा कितना अच्छे से पक गया है। थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग्स निकल रहा है, जैसे मूली को मैंने ग्रेट किया है, उसको पीसा नहीं है, इसीलिए उसका थोड़ा दाना बाहर से दिख रहा है। फ्लेम को एकदम कम कर दे जैसे पराठा ना जले। उसके बाद पलट पलट कर पराठा को फ्राई कर ले। आप देख सकते हैं पराठा को कैसे फ्राई हो रहा है। तो चलिए पराठा को फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारे मूली की पराठा कितनी अच्छे से बन गया है। अब चलिए बाकी सारे पराठा को भी बना लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को सर्विंग दिखाते हैं। देखिए इधर हमारा गर्मा गर्म मूली की पराठा एकदम बन के तैयार है। मूली की पराठा बनाते वक्त थोड़ा थोड़ा सा मूली का स्टफिंग्स इधर से उधर से निकल सकता है, पर इसमें सोचने वाली कोई भी बात नहीं, मूली की पराठा बनाते बनाते और भी आसान हो जाएगा। देखिए इधर मैंने बहुत सारा मूली की पराठा बना है, 1 2 3 4 5 6 7 सात मूली की पराठा बनाया है। आप भी घर पे ऐसे ही मूली की पराठा बनाएं, और मूली की पराठा खाने में इतना स्वादिष्ट होता है, आपको इसको खाने के लिए कोई भी चटनी या कोई भी कड़ी की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी चटनी, अचार या टोमेटो सॉस से भी आप खा सकता है। आज की तरह इतना ही विदा लेना चाहूँगी, फिर से लौट के आऊँगी दूसरे एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। और मेरा एक रेसिपी ज़रूर देखना एवं मेरा रेसिपी एंड पे स्किप मत करना, एकदम लास्ट तक मेरा रेसिपी देखना। और ये पराठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मैंने इससे पहले भी एक बार बनाया था, बहुत ही स्वादिष्ट हुआ था, घर वालों ने बोला था। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, मेरा रेसिपी पूरा देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लौट के आऊँगी दूसरे एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।